हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर सेकंड इन हॉर्नबिल। द नेम ऑफ द चैप्टर इज वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। दिस लेसन हैज बीन रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेसन, लेट्स सी सम डिफिकल्ट वर्ड्स और एक्सप्रेशंस दैट हैव बीन यूज्ड इन दिस लेसन। हॉनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स, ओमिनस साइलेंस, मेडे कॉल्स, पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, अ टोसल्ड हेड। होनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स मीन्स लर्निंग और मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेलिंग शिप्स और बोट्स, दैट इज होनिंग मीन्स लर्निंग और स्किलिंग द सी फेयरिंग टैलेंट। ओके, ओमिनस साइलेंस मीन्स अ साइलेंस विच इज वेरी डेंजरस, विच रिफ्लेक्ट्स दैट इट इज फुल ऑफ ओमेन, ओ एम ई एन। ओमेन मीन्स समथिंग विच इज नॉट गुड, दैट इज इविल। सो इविल, सिनफुल साइलेंस। मेडे कॉल्स, दीज आर इमरजेंसी कॉल्स विच आर सेंड थ्रू रेडियो सिग्नल्स। पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन मीन्स जस्ट लाइक अ नीडल हेड इन द एंड इन अ वेरी बिग ड्रास्टिक ओशन। पिन प्रिक्स मीन्स नीडल हेड, एक सुई के हेड की तरह एक बहुत ही विशाल का समुद्र में कोई अगर चीज़ दिखाई दे, जैसे सपोज करिए एक आइलैंड हो, इफ़ एनी आइलैंड इज देयर विच इज़ अ वेरी स्मॉल आइलैंड लोकेटेड इन अ वेरी वास्ट ओशन, तो दैट स्मॉल आइलैंड विल बी कॉल्ड लाइक अ पिन प्रिक इन द वास्ट ओशन। अ टोसल्ड हेड मीन्स अ सोलन हेड, जैसे किसी को सिर पे अगर चोट लग जाए तो वहाँ पे स्वेल हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड टोसल्ड हेड। देन इट्स नाउ आवर फर्स्ट पैरा, लेट्स स्टार्ट। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, सन जोनाथन हु वाज 6 ईयर्स ओल्ड, डॉटर सुजैन 7 ईयर्स ओल्ड एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाई कैप्टन जेम्स कुक। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, अ 37 ईयर ओल्ड बिजनेस मैन, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had all spent our leisure time honing our seafaring skills in British waters. So the writer here says that in the month of July in 1976, along with his wife Mary and son Jonathan with daughter Suzanne, he started to make a sail from Plymouth, अ पोर्ट लोकेटेड इन इंग्लैंड। उस पोर्ट से वो एक सेल स्टार्ट करता है, मीन्स यू कैन से अ वॉयज, एक समुद्री यात्रा प्रारंभ करने की कोशिश करता है, टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। टू डुप्लीकेट मीन्स टू रिपीट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मीन्स पूरे दुनिया का, जैसे एक परिक्रमा, एक सर्किल, एक चक्कर लगा करके थ्रू सी रूट। सो अ जर्नी विच इज मेड थ्रू सी रूट इज कॉल्ड वॉयज, उसे वॉयज कहा जाता है। इसका मतलब कि 200 ईयर्स पहले देर वॉज अ कैप्टन हुज नेम इज जेम्स कुक, ही मेड अ वॉयज एंड द सेम वॉयज वॉज गोइंग टू बी रिपीटेड हियर बाई द राइटर गॉर्डन कुक। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई मीन्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of famous explorer. उसी famous explorer के याद में, उसके memory में writer ने क्या सोचा, इस new sailor ने क्या सोचा कि यह भी एक voyage plan करेगा और उस Captain James Cook द्वारा किए गए voyage को repeat करेगा। So he wants to create a history, repeat the history, okay? And that's why along with his wife Mary and son and Jonathan, he made the voyage. The writer is here as 37-year-old businessman. ये एक businessman है. And he has just made a vision of sailing and repeating the same voyage which was once made by Captain James Cook. And for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our learning skills in British water. Or this is the reason why for the last 16 years, he had spent almost all his time along with his wife also
ऑल इस टाइम स्पेशली द लेजर टाइम, उसने अपने पूरे के पूरे लेजर टाइम को जो है सी फेयरिंग स्किल्स को लर्न करने में, उसको मास्टर करने में ब्रिटिश वाटर्स यानी द यू कैन से ओशंस डेट सराउंड्स द इंग्लैंड, इंग्लैंड को चारों तरफ से जो ओशन है उसको ब्रिटिश वाटर कहा जा रहा है। तो इंग्लैंड के सी में और ओशन में अटलांटिक ओशन है, आप अच्छी तरह जानते हैं वहाँ पे, तो उसमें वो सी फेयरिंग स्किल को लर्न करता है और 16 ईयर्स अपने लेजर टाइम को बिता देता है। आवर बोट वेव वॉकर 23 मीटर 30 टन वुडन हर्ल्ड ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड एंड फॉर दिस सेक द राइटर हैज क्रिएटेड अ बोट हुज नेम ही हैज गिवन वेव वॉकर। वेव वॉकर के बारे में बताते हैं कि ये जो बोट थी एक्चुअली शिप है जो कि 23 मीटर और 30 टन वुडन हल ब्यूटी यानी कि वुडन हल से बनी हुई, हल एक्चुअली यू कैन से वी शेप पोर्शन जस्ट द बॉटम पार्ट ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द शिप जो वी शेप में होता है उसको हल कहा जाता है। 30 टन वुडन हल वो शिप थी और 23 मीटर उसका लेंथ था। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, उसे बिल्कुल उसने प्रोफेशनल तरीके से बनाया था। ही हैड स्पेंट सेवरल मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग द शेप इन द रफेस्ट वेदर डेट ही कुड फाइंड, खराब से खराब मौसम में उसने उस शेप को टेस्ट किया था सो दैट ही कुड नॉट फेस एनी चैलेंज इन द सी रूट, और इफ ही कुड फेस एनी चैलेंज द शिप माइट बी enough ready to face it. The first leg of our planned 3-year journey, 1,05,000 kilometer, passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. First leg means the first part. The first part of the planned 3-year journey, यानी 3 years की उसने एक journey plan की, उसका जो first part था वो 1,05,000 kilometer उसने cover कर लिया, जो कि actually ये 10,500 kilometer होगा, दिस शुड बी 10,500 किलोमीटर, जो कि बहुत ही प्लीजेंटली वो अफ्रीका केप टाउन तक प्लाईमाउथ से चला गया। मीन्स द फर्स्ट लेग ऑफ द जर्नी विच कवर 10,500 किलोमीटर फ्रॉम प्लाईमाउथ टू केप टाउन लोकेटेड इन अफ्रीका कंट्री, ये जो जर्नी थी उसने इजली without any facing problem he just made it possible. There before heading east, now reaching at Cape Town city in Africa and from there he had to head towards the east direction. So east direction from Cape Town will be our country India or Australia, you can say ye sab country aapke Cape Town se east mein padengi, our country India, Sri Lanka, Australia and so many other countries like Malaysia, Indonesia, all these will fall in the east direction from Cape Town. So now from there he wanted to move towards east direction. We took on 2 crewmen, American Larry Wiesel and Swiss Herb Sigler. So from Cape Town he hired 2 crewmen, usne jo hai apne dal mein crew mein 2 logon ko hire kar liya. First one is Larry Wiesel, he was an American sailor, and second is Swiss Herb Sigler. Swiss means अ पर्सन बिलोंगिंग टू स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड का रहने वाला हर्ब सिगलर और अमेरिका का रहने वाला लैरी विजल, दिस टू सेलर्स वर हायर्ड बाई हिम सो दैट दे माइट बी हेल्पफुल ड्यूरिंग एनी ओमिनस वेदर इफ दे विल फेस इन द जर्नी टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, सिंस ही वॉज गोइंग टू सेल इन द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशन द सदर्न इंडियन ओशन, सो हियर स्पेशली द फोकस इज ऑन द सदर्न इंडियन ओशन। Southern Indian Ocean is called the world's roughest sea because so many waves and different types of wind blow is there, because of which it is called very dangerous sea or roughest sea. To sail very pleasantly and to tackle any type of problem, he hired 2 sailor. उसने 2 sailor को hire कर लिया. On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. अब second day Cape Town से जब इन्हें निकले हो गया, they started to face strong
विंड, गेल्स का मतलब होता है वेरी स्ट्रांग विंड, तेज तूफानों का सामना इन्होंने करना शुरू कर दिया। तो इससे हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट स्टार्टिंग फ्रॉम केप टाउन द फर्स्ट डे माइट हैव बीन वेरी प्लीजेंटफुल, अच्छा आसानी से गुजरा होगा, सुहावना रहा होगा, बट ऑन द सेकेंड डे द प्रॉब्लम स्टार्टेड टू बिगिन बाई इनकाउंटरिंग स्ट्रांग गेल्स। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी सेकेंड डे टू टिल मैनी वीक्स, नेक्स्ट मैनी वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली। ये जो स्ट्रांग गेल्स स्टार्ट हुई थी ये लगातार बहती रहीं। गेल्स डिड नॉट वरी मी, राइटर सेज दैट द स्ट्रांग मूविंग विंड्स वॉज नॉट ए मैटर ऑफ वरी टू हिम, बट द साइज ऑफ द वेव्स वर अलार्मिंग, बट जो वेव्स की साइज थी यानी जो सी वेव्स फॉर्म हो रही थी, दोज वेव्स वर वेरी डेंजरस, दे वर अलार्मिंग, दे वर शॉकिंग टू हिम, बिकॉज दे वर राइजिंग अप टू द हाइट ऑफ 15 meters, एज हाई एज आवर मेन मास्ट। मास्ट इज द मिडल पिलर, द सेंट्रल पिलर विच इज दे आर पोस्टेड इन द मिड ऑफ द शिप, थ्रू टू विच ऑल द रोप्स एंड द स्ट्रिंग्स आर टाइड, ऑल द एंटायर एज ऑफ द शिप इज टाइड टू द सेंट्रल पिलर सो दैट द शिप मे नॉट ब्रेक डाउन इन एनी सिचुएशन। सो उस मास्ट को, इसको हिंदी में मस्तूल कहा जाता है, जो शिप होती है तो शिप के ठीक सेंटर में जो पिलर होता है, दैट सेंट्रल पिलर ऑन द शिप इज कॉल्ड मास्ट, टू विच एवरी रोप एंड एवरी स्ट्रिंग और एनी पार्ट ऑफ द एंटायर यू कैन से रेलिंग ऑफ द शिप इज टाइड फॉर सेफ्टी एंड फॉर यू कैन से सॉलिडेरिटी, उसकी मजबूती के लिए। December 25 फाउंड अस 3,500 kilometers ईस्ट ऑफ केप टाउन। सो नाउ इट केम 25th December एंड दे हैड सेल्ड 3,500 kilometers मोर फ्रॉम केप टाउन डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, डिस्पाइट एनिमस वेदर, एक एनिमस एट्रोसियस, एक एनिमिटी भरी हुई वेदर, अनफेवरेबल वेदर कह सकते हो, डिस्पाइट अनफेवरेबल वेदर वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कम्प्लीट विथ ए क्रिसमस ट्री। यू नो 25th December इज क्रिसमस डे, सो दो द वेदर वॉज नॉट सो गुड, इट वॉज वेरी फियरफुल एंड वेरी अनफेवरेबल, स्टिल दे सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल, क्रिसमस फेस्टिवल वेरी जॉयफुली विथ क्रिसमस ट्री ऑल्सो, दे माइट हैव बीन देम विथ देम सिंस दे स्टार्टेड अ जर्नी। ये वो जरूर अपने पास जब स्टार्ट किए होंगे जर्नी तो रखे रहे होंगे उस ट्री सिप में। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, धीरे धीरे 1st January आ जाती है, स्टिल देर वॉज नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, बट स्टिल वी वर थिंकिंग, वी लॉजिकली थिंक दैट द सिचुएशन माइट चेंज, द वेदर कंडीशंस विल चेंज सून, इनको ऐसा लगता है कि वेदर कंडीशन जल्दी जो है चेंज हो जाएगा, एंड इट डिड चेंज, और एज दे हैड रीजन, दे हैड थॉट दैट द वेदर वुड चेंज, सो द चेंजिंग वॉज देयर, बट इट वॉज फॉर द वर्स, मतलब बदलाव तो हुआ मगर बुरा से बेहतर नहीं, बुरा से बदतर हो गया। इट वॉज नॉट फ्रॉम बैड टू गुड, बट इट वॉज फ्रॉम बैड टू वर्स। जो चेंजेस हुए, जैसे राइटर ने क्या कहा कि चेंज हुआ, सून देर वॉज अ चेंज, शीघ्र ही एक बदलाव आया, बट द चेंज वॉज दैट सिचुएशन ग्रू वर्स फ्रॉम बैड, बुरा तो पहले से चल रहा था, अब वो बदतर हो गया, नॉट गुड, अच्छा नहीं हुआ। एट डॉन ऑन January 2nd द वेव्स वर जिजेंटिक, धीरे धीरे January 2nd हुआ, 2nd January आ गया, एंड द सी वेव्स ग्रू मोर ट्रिमेंडस, मोर लार्जर इन साइज, वो और धीरे धीरे जिजेंटिक होते चले गए। वी वर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप, और हम लोग एक छोटे से स्टॉर्म जिप के साथ, जिप यू कैन से पाल इन हिंदी, पीस ऑफ क्लॉथ विच इज टाइट एट द टॉप ऑफ द मास्ट, जो मास्ट होता है उसके टॉप पे जो एक क्लॉथ्स होते हैं जो लगा दिए जाते हैं, टाइट रहते हैं, सो दैट दे माइट बी शेल्ड ऑन बाय द ब्लोइंग विंड, चाहे हवा बहे तो उस पे प्रेशर पड़ेगा जिससे कि शिप जो है आगे मूव करेगी। सिंस इट वॉज ए स्टॉर्मी वेदर था, इसीलिए जो है स्टॉर्म जिप लगाया गया, स्टॉर्म जिप जो होगी वो छोटी होगी साइज में, सो दैट इट कैन फेस लेस प्रेशर। तो वी वर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप, तो एक छोटे से तूफान के मौसम में लगाया जाने वाला जो एक जिप था उसको वो मेन मास्ट पे लगा देते हैं और सेल करते रहते हैं। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots, और अभी भी जो है वो 8 knots की स्पीड से चल रहे थे, ये उनकी स्पीड है। ओके, 8 knots इज ए स्पीड, इट्स ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन शी रूट।
एज अ शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस एनर्मस शीज रोलिंग टूवर्ड्स अस. जैसे जैसे शिप जो है आगे बढ़ती थी, वेन द वेव वर हायर, शिप वेव्स वर हायर, जब शिप वेव थोड़ी ऊंची उठती थी तो शिप भी थोड़ी ऊंची हो जाती थी. एंड वेन द शिप वॉज सेलिंग ऑन द हाई वेव, जब हाई वेव पे होती थी, दे कुड सी इन फ्रंट लार्ज वेव्स, एनर्मस शीज मीन्स एनर्मस वेव्स ऑफ दिस शीज रोलिंग टूवर्ड्स अस मीन्स कमिंग टूवर्ड्स अस. जब शिप जो है हायर वेव पे होती थी तो उस वक्त सामने हजारों की संख्या में शिप वेव्स नजर आती थी सामने आती हुई. एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स. और जो विंड थी इट वॉज ब्लोइंग सो फास्ट, सो ट्रिमेंडसली दैट इट वॉज मेकिंग अ ग्रेट साउंड. एंड द स्प्रे, स्प्रे इज हियर द फॉलिंग ऑफ द सी वेव्स. जो सी लहरें उठती थी जब वो नीचे गिरती थी तो जे जस्ट फॉल लाइक अ शावर, लाइक अ स्प्रे. So the falling of shower, you can say waves of the sea, that is here spray, or the blowing of wind and the falling of sea waves, both were together making a great noise which were painful to the ears. To slow the boat down, we dropped the storm jib. बोट की स्पीड थोड़ी स्लो करने के लिए हमने क्या किया, फाइनली स्टॉर्म जीप को थोड़ा खोल दिया. एंड लास्ट हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप इज अक्रॉस द स्टर्न. और फिर हमने क्या किया, वी टाइड हैवी मूरिंग रोप इन अ रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न. स्टर्न इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द शिप. तो अक्रॉस द स्टर्न, जो स्टर्न था उसमें हमने क्या कर दिया, एक मोटा जो टग ऑफ वार गेम होता है, इसमें एक मोटी सी रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है, उसे यहाँ पे किया जा रहा है मोरिंग रोप. दैट थिक रोप विच इज यूज टू टाई समथिंग स्ट्रांगली, उसको यहाँ पे कहा गया हैवी मोरिंग रोप. उससे ये क्या करते हैं, शिप के फ्रंट पार्ट को क्रॉस, उसके लूप्स होते हैं, लूप्स जगह जगह पे हुस लगे रहते हैं, उसे वो बांध दिया जाता है. देन वी डबल लैस्ड एवरीथिंग वेंट थ्रू आवर लाइफ रैप ड्रिल. देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, उसके बाद हम हर चीज़ों को जो है डबल लेस कर देते हैं, यानी दोबारा से बांध देते हैं. वेंट थ्रू आवर लाइफ रेफ्ट ड्रिल, उसके बाद हम अपना लाइफ रेफ्ट ड्रिल पहन प्रैक्टिस करते हैं. अटैच्ड लाइफ लाइन्स, लाइफ रेफ्ट ड्रिल यानी कि जो रेफ्ट होती है वो एक पतवार होती है, यू कैन से बहुत सारे बोट्स बैम्बूज को लेकर के अगर हम उसको आपस में टाई कर दें उसको रेफ्ट कहा जाता है. तो हम क्या करते हैं कि लाइफ रेफ्ट ड्रिल प्रैक्टिस करते हैं ताकि अगर शिप किसी भी हालत में ब्रेक हो तो हम उस रेफ्ट के थ्रू अपनी लाइफ को बचा सकें. हम अपने आप को लाइफ लाइन से अटैच कर देते हैं. शिप में क्या होती है, रोप्स लगी रहती हैं उसके साइड से, ताकि अगर शिप रैक करती है यानी कि डिस्ट्रॉय होती है, डिमोलिश होती है, तो उसके थ्रू जो है, उस फ्लोटिंग पार्ट्स ऑफ शिप के थ्रू जो है रस्सी से कनेक्ट रहेंगे और कनेक्शन करके और हम उस रेफ्ट पे बैठे रहेंगे जिससे कि अपनी लाइफ को सरवाइव कर सके. मतलब कि अगर जैसे शिप टूट जाती है तो उसके बाद ये रेफ्ट पे हो जाएंगे और रेफ्ट कहाँ जाएगा, किससे कनेक्ट रहेगा, तो रस्सी के थ्रू जो है, क्योंकि शिप एक बिगर पार्ट है भले वो टूटी रहेगी, उससे अपने आप को जोड़े रहेंगे और इस तरीके से जैसे भी सिचुएशन बने लाइफ को सेव करेंगे. तो दे फाइनली अटैच्ड देमसेल्व्स, मीन्स टाइड देमसेल्व्स विद द रोप्स विच वर एट द साइड्स ऑफ द मेन शिप. डॉन्ड ऑयल स्किन्स, डॉन का मतलब वियर, पहनना, यहाँ लगाने से हो गया. डॉन्ड ऑयल स्किन्स, हम अपने पूरे स्किन पे जो है ऑयल स्किन लगा लेते हैं. व्हाई, बिकॉज द सी वाटर इज सॉल्टी, इट कुड बी हार्मफुल टू द स्किन. तो अगर हम ऑयल स्किन लगा लेते हैं तो डायरेक्ट हम सी वाटर के टच में नहीं आएंगे, जिससे कि जो ह्यूमन स्किन होगी वो कम डैमेज होगी. एंड द लाइफ जैकेट्स, और फाइनली हम लाइफ जैकेट पहन लेते हैं, सो दैट इफ द शिप विल ब्रेक डाउन वी मे नॉट ड्राउन, हम डूबे ना, इसके लिए वो लाइफ जैकेट पहन लेते हैं. एंड वेटेड, और फाइनली हम वेट करते हैं, बिकॉज दे आर सीइंग दैट द वेदर कंडीशन वॉज चेंजिंग वेरी ट्रिमेंडसली फ्रॉम बैड टू वर्स, सो दे वर प्रिपेयरिंग एवरी आर्ट टू सेव देयर लाइफ. So students, I am stopping this video up to here. In my next video, I will continue the chapter. Thank you.